ओम शांति। 13 अक्टूबर के श्रोतन में आप सबको स्वागत है। सहयोग की भावना तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन आज दुनिया में ऐसा है कि उसने मेरी बिगाड़ी तो मैं उसकी बिगाड़ूँ, उसने मुझे गलत किया तो मैं उसके साथ में गलत करूँ, उसने मेरे साथ में प्यार से बात करी मैं उसके साथ में प्यार से बात करूँ, तो आज टिट फॉर टैट जिसको हम कहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ पर कि सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भवा, या तो हम वायुमंडल अपने आसपास घर में नहीं, सिर्फ अपने समाज में, अपने देश में, अपने उस छोटे से सिटी में या बड़े सिटी में आप कैसे भी बना सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, प्रकृति क्या करती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। अब घर का माहौल, आजू बाजू का माहौल हमारे संकल्पों के द्वारा बनता है। 5 एलिमेंट्स जो हैं वो गर्मी सर्दी कर सकते हैं, और हमारे थॉट्स भी गर्मी या शीतलता ला सकते हैं। गर्मी मतलब क्रोध का एटमॉस्फेयर, ईर्ष्या घृणा का एटमॉस्फेयर, आपस में बातचीत नहीं करना, नफरत का एटमॉस्फेयर, ये हो गया गर्म एटमॉस्फेयर जो हमारे संकल्पों से बनता है, और वही हम शीतल भी कर सकते हैं अपने संकल्पों से। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो, है ना, कोई ऐसा करता है वैसे करता है, ऐसे बोलते हैं वैसे करते हैं, बदला लेते हैं, गलत करते हैं, अड़चने डालते हैं, कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। अब सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल सहयोग दें, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मत दें, लेकिन परमात्मा अब आगे समझाने वाले हैं कि और भी तरीके हैं सहयोग देने के। दाता के बच्चे सदा देते हैं, है ना, वो लेते नहीं हैं कि वो करे तो मैं करूँ, वो मेरे को सहयोग दे तो मैं सहयोग दूँ। तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, जहाँ पर हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपस में बातचीत नहीं चल रही, हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो बातचीत करने की लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहा है, या आपके माहौल ही ऐसे हैं कि आपको आपस में बातचीत करनी ही नहीं है किसी कारण से, तो आप मनसा के द्वारा उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख सकते हो। चाहे मनसा से करो, जहाँ पर पॉसिबिलिटी कि आप उनसे बोल सकते हो, आप ठंडक ला सकते हो अपने आपस के संबंधों में, एटमॉस्फेयर में झगड़ा कम कर सकते हो, हीट कम कर सकते हो, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पे वाचा यूज करो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है किसी ना किसी तरीके से, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा से। ये हमें ही हल्का करता है, दूसरों की बात छोड़ दें, लेकिन जब हम किसी से नफरत करना छोड़ देते हैं, हम शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, चाहे हमारे प्रति वो गलत भी कर रहे हो, तो ये हमें हल्का करता है, हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस को तोड़ता है वो। नहीं तो अगर आपके मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि तीर छोड़ते ना, तो लोग कहते हैं मुंह से जो एक बार तीर निकल गया, लेकिन परमात्मा कहते हैं संकल्पों का जो तीर निकल रहा है आपका, जो कि अदृश्य तीर है, जो कि आप किसी को आजू बाजू रहने वालों को, घर वालों को, साथी संबंधियों को जो आप मारते रहते हो, तीर ये ऐसा है वो वैसी है, इसको इससे नफरत आती है, इसको पसंद नहीं है इसके, ये तीर जो आप मारते हो वो आपके बंधनों को और कड़ा करता रहता है। तो आप चाहते हो बंधन मुक्त हो, आप चाहते हो अड़चन मुक्त हो, तो परमात्मा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे बिहेवियर आपके साथ में चेंज होना शुरू हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन कंटिन्यूसली देना है, यानी कि कंटिन्यूसली दिया उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, आपने बोला अब तो मैं क्यों चेंज करूँ अपने आप को, अब तो मैं और कड़ा और तीर छोड़ने शुरू कर दिया, तो ये परमात्मा कहते हैं ये नादानी है। ये सब कुछ सिखाया था ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर के सीखें इसको और गहराई से समझें संबंधों के बारे में, रिश्तों के बारे में। ओम शांति के साथ।